ओमिक्रॉन से बचकर रहना। जी हाँ, ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरह से हर दिन बढ़ता जा रहा है, हर रोज कहीं ना कहीं नए मामले सामने आते जा रहे हैं। दिल्ली में 4 नए केस मिले हैं, वहीं मंगलवार को महाराष्ट्र में 8 और लोगों में इसकी जांच रिपोर्ट ओमिक्रॉन का संक्रमण होने की पुष्टि हुई थी। इसके साथ ही भारत में ये संख्या 64 हो चुकी है। ऐसे में जानकारी के मुताबिक दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि जिन 6 लोगों की जाँच में अब तक कोरोना के नए वेरियंट की जानकारी सामने आई है, वो सभी विदेश से लौटे थे और उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सत्येंद्र जैन ने संवाददाताओं से कहा कि 1 को छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 5 की हालत स्थिर बनी हुई है। इस बीच नोएडा में विदेश से आए 5 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं और इनके सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भी भेजे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि 2 परिवार के 5 सदस्य कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 1 परिवार इंग्लैंड और दूसरा सिंगापुर से लौटा था। वहीं विदेश से करीब 4,729 यात्री अब तक नोएडा वापस आए हैं। इनमें से करीब 2,600 यात्रियों को ट्रैक किया जा चुका है, जबकि 1,100 ट्रैवलर हाई रिस्क कंट्री से वापस आए हैं। तो ओमिक्रॉन का खतरा लगातार देश में बना हुआ है। साथ ही आपको ये बता देते हैं कि ओमिक्रॉन और डेल्टा में किस तरह से समानताएं हैं या फिर कितना अलग एक दूसरे से हैं। तो ओमिक्रॉन में ऑक्सीजन सामान्य रहती है, डेल्टा में ऑक्सीजन कम होने की आशंका जताई गई थी। तो ये ओमिक्रॉन वर्सेस डेल्टा हम आपको दिखा रहे हैं कि ओमिक्रॉन में क्या कुछ संक्रमण थे और इसमें क्या है। ओमिक्रॉन में गले में दर्द होता है, डेल्टा में लगातार खांसी रहती है। यानी कि ये एक अलग अलग चीज़ें हैं कि ओमिक्रॉन होने पर क्या होगा। ओमिक्रॉन होने पर हल्का बुखार होता है, डेल्टा में तेज बुखार होता था। तो ऐसे में जो डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होता है उससे तेज बुखार होता था। साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट में स्वाद और सुगंध बरकरार रहती है, यानी कि स्वाद और सुगंध नहीं जाती, जबकि डेल्टा में ये दोनों ही चीज़ चली जाती थी। तो ऐसे में ये समानताएं हमने दिखाई थी या फिर अलग अलग चीज़ें दिखाई थी कि डेल्टा वेरिएंट होने पर आपको क्या होगा और ओमिक्रॉन होने पर आपको क्या होगा। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि देश में अब तक ओमिक्रॉन के कितने मामले आ चुके हैं। तो 61 मामले बढ़ चुके हैं ओमिक्रॉन के, जिसमें चंडीगढ़ में 1, दिल्ली में 6 मामले आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। साथ ही राजस्थान में 17 केस, गुजरात में 4 केस ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें महाराष्ट्र में 28 केस, आंध्र प्रदेश में 1 केस ओमिक्रॉन का मिल चुका है। तो ऐसे में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही WHO ने चेतावनी एक बार फिर से जारी कर दी है। WHO ने क्या चेतावनी दी है ये भी आपको बता देते हैं। WHO ने कहा है कि 77 देशों ने अब तक ओमिक्रॉन के केसों की पुष्टि की है। वास्तविकता ये है कि ओमिक्रॉन इससे भी ज़्यादा देशों में है, भले ही इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन उस दर से फैल रहा है जिसे हमने पिछले किसी वेरिएंट के साथ नहीं देखा। ओमिक्रॉन का प्रसार शुरुआत से अब तक अपनाए गए सभी उपायों से ही रोका जा सकता है। इसे बहुत जल्द गंभीरता से लागू करना चाहिए। अकेले वैक्सीन से कोई देश इस संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यानी कि WHO की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब भी बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और वैक्सीन पर निर्भर रहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन से कोई भी देश पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रह सकता है। और WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन उस दर से फैल रहा है जिससे हमने पिछले किसी वेरिएंट के साथ नहीं देखा। तो लगातार ओमिक्रॉन के मामले देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि भारत में अभी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि 61 से ज़्यादा मामले हो चुके हैं भारत में। साथ ही नोएडा से हमारे संवाददाता भूपेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? भूपेश, देखिए जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, भारत में 64 के मामले हो चुके हैं, नोएडा से एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कई विदेशों से यात्री नोएडा वापस लौटे थे जिसमें 5 संक्रमित पाए गए हैं और जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए उनकी रिपोर्ट भेजी है और बाकियों का पता लगाया जा रहा है कि वो आखिर है कहाँ। देखिए बिल्कुल, जो सर्विलांस विभाग है वो इसकी जांच में जुटा हुआ है कि जो लोग आए हैं उनकी जांच की जाए और जो 5 लोग ये पहुंचे हैं इनमें हालांकि अभी जो ओमिक्रॉन है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। इन सभी को होम आइसोलेट रखा गया है और इसके अलावा इनकी रिपोर्ट आने का भी इन लोगों को इंतजार है।
और आपको बता दें जो भी लोग बॉर्डरों से अंदर आ रहे हैं उनकी भी आरटीपीसीआर के तहत लगातार टेस्टिंग की जा रही है। तो प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और वो अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही जो लोग विदेश से आए हैं उनकी ट्रेसिंग के लिए अलग से टीम बनाई गई है, जो विदेश से लोग आए हैं वो उनकी ट्रेसिंग करेंगे और उसका डाटा जो है वो एयरपोर्ट से लेकर हर जगह से इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद उन लोगों की जो विदेश से आए उनकी जांच की जाएगी और अगर उनमें संक्रमित पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेट भी किया जाएगा। जी जी बिल्कुल भूपेश, देखिए ट्रेसिंग लोगों की तो जा रही, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एयरपोर्ट से डेटा लिया जा रहा है और उसके हिसाब से टीम लगाई गई है कि ट्रेस किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस तरह से लोग जब विदेशों से यात्रा करते हैं, हालांकि उन्हें जब जांच करानी चाहिए तो वो गायब हो जाते हैं। एक तरह से सहयोग लोगों का अगर नहीं होगा तो एक बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले दिनों में। देखिए पारुल, बिल्कुल ठीक बात है, जैसे पिछली बार कोरोना बढ़ा था लगातार अपने आप को लोग छुपा रहे थे, अगर कोई विदेश से आ रहा था तो वो अपनी जानकारी को छुपा रहा था, जबकि प्रशासन और सरकार की तरफ से लोगों को साफ तौर पे कहा जा रहा था कि अगर आप कहीं विदेश से आए तो आप जानकारी अवश्य दें और अपनी टेस्टिंग जरूर कराएं। लेकिन उसके बावजूद भी इसको छुपाया जाता है और उस बीमारी को, जो महामारी बीमारी है उसको बढ़ाया जाता है और ऐसा ही नजारा अब देखने को मिल रहा है। लोग विदेश से आए हैं, विदेश से आने के बाद भी वो अपनी जानकारी को छुपा रहे हैं और काफी लोग तो ऐसे मिले हैं जिन्होंने अपने डाटा तक गलत दिया है, यानी फोन नंबर तक गलत वो लिख के आए, तो उससे ट्रेसिंग करना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि उनकी तरफ से जो टीम बनाई गई है वो ठीक तरह से ट्रेसिंग करेंगे, क्योंकि उन लोगों की जो विदेश से आए हैं उनका ट्रैक कर पाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनकी जो जानकारी है वो पूरी वहां पर मौजूद होती है, तो उसके हिसाब से उनकी ट्रेसिंग होगी और उसके बाद उनकी टेस्टिंग होगी और टेस्टिंग के बाद उन सबको जो है आइसोलेशन में रखा जाएगा। हालांकि अभी जो 5 लोग हैं ये विदेश से आए थे, इन लोगों में अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इनकी टेस्ट जो रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जिस तरह से आप भी लगातार कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो छुपते नजर आते हैं, जानकारी नहीं देते, जांच नहीं कराते, लेकिन देखिए आप भी लगातार फील्ड पर मौजूद रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोगों में अभी पुख्ता जानकारी कोरोना को लेकर अभी तक नहीं है? 2 साल हालांकि हो चुके हैं देश में कोरोना को आए हुए, लेकिन उसके बाद भी लोग इस तरह के स्टेप क्यों उठाते हैं कि वो छुप जाते हैं, वो जांच नहीं कराते या उसके बाद भी लापरवाही बरतते हैं और तमाम जगह पर वो पहुंच जाते हैं? देखिए पारुल, हाँ कहीं ना कहीं लोगों में एक डर होता है कि अगर उनके ये ओमिक्रॉन की पुष्टि होती है या किसी भी बीमारी की पुष्टि होती है, तन में रखा